तो भाई ये रहे हमारे स्पेशल गेस्ट कोमल दीदी, सबकी कोमल दीदी और जीजू, जीजू भी खड़े हैं भाई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। और भाई आज सुबह सुबह उठते ही भाई ये देखो क्या हो रखा है, ये देखो क्या हो रखा है, पीछे पत्थर दिख रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों के आज सुबह उठते हुआ क्या है। तो गाइस ये देखो, ये घर के अंदर जो ये देखो ये पत्थर है ना, ये देखो ये जो पत्थर होता है ये पूरा का पूरा पत्थर निकल गया भाई, ये देखो। और एक गिरा है, और ये देखो ऊपर वाला भी निकलने वाला है, किसी के ऊपर गिर भी सकता है, डैमेज भी पहुंचा सकता है भाई, किसी को नुकसान हो सकता है भाई, खतरनाक काम है। तो भाई यही होता है पापा जी, बिल्डर के फ्लोर लेते हैं ना भाई, ये देखो। और ये देखो यहाँ पे इनका कोई यूज भी नहीं है, होता है कि हम किसी चीज का रोज यूज करते हो तो वो खराब हो जाए तो समझ आता है भाई। ये देखो ये घर के बाहर का व्यू है, और ये देखो और ये सीमेंट से ही निकल गया बताओ। अरे मैं कहता हूँ दिख तो रहा है, देखो ये यहाँ तक उखड़ चुका है, ये मम्मी गिर सकता है, आप ध्यान से कपड़े वपड़े सुखाना यहाँ। अभी मैं बुलाता हूँ मिस्त्री को, ये ठीक कराते हैं अभी, हाँ ये लगाना पड़ेगा। तो ये भाई अभी फिट कराते हैं, फिक्स कराते हैं, घर में शादी वाला माहौल भी है और भाई किसी को नुकसान ना हो जाए। तो शुक्र है हृदय हृदय नहीं था, गिर जाता है देखो नीचे भी टूट गया। तो गाइस ये इसलिए होता है क्योंकि जब बिल्डर घर बनाता है ना तो भाई बहुत सारे बिल्डर ऐसे होते हैं नकली सामान लगा देते हैं, नकली चीजें लगा देते हैं, और इस वजह से ऐसी चीजें होती हैं। तो भाई देख वेख के लेना चाहिए घर वर, जब लो तो थोड़ा देख के कि बिल्डर अच्छा हो भाई, वो सामान अच्छा लगाता हो, वरना थोड़े दिन में ये याल होगा घर का, ये देखो क्या हो रहा है। तो भाई अभी चलते हैं, ये देखो अपने साथ में ना एक घर बन रहा है, एक और बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर। तो अभी इनके मिस्त्री को बुलाते हैं अपन और इनको कहते हैं भाई ये लगा के दो, ये पत्थर वत्थर जो भी चीज है ना ये लगा के दो। अच्छा मिस्त्री है क्या? हाँ तो बस उनसे लगवा लेते हैं। और भाई ये कैमरे के ऊपर भी देखो इन्होंने क्या किया है, इनकी बिल्डिंग के चक्कर में भाई हमारा ये कैमरा भी पूरा खराब हो गया है, देखो सारी सीमेंट सीमेंट देखो जम गया है पूरा कैमरा। ए मुड़े गए टूट ना जाए यार, मेरे को डर और लग रहा कहीं मोड़ू में टूट जाए, मुड़ भी नहीं रहा, जम गया इसी के अंदर, ये सीमेंट इसके अंदर चली गया, जम गया, मेरे को थोड़ा इधर करना ही नहीं हो रहा। देखो चक मार के भाग गया मुझे, चक मार के भाग गया, खोल खोल खोल, चक मार के भाग गया ना मुझे, कहाँ गया? अरे कहाँ गया, रिते गायब हो गया गाइस, गाइस रिते गायब हो गया। अरे यार कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है गाइस, कहाँ गया रिते, इसके पीछे तो नहीं छुपा, ये देखो पतला सा इसके पीछे छुप गया। रिद्धि मेरे को चक मार के आए हो ना। तो गाइस आज से हृदय को हम लोग गन नहीं दिलाएंगे कभी भी, है ना रिद्धि, कभी भी नहीं दिलाएंगे, है ना रिद्धि। रिद्धि शरारते करते गन के साथ, नहीं दिलाएंगे। जब आप बड़े होकर पुलिस वाले बनोगे ना फिर आपको देंगे वो, ठीक है, फिर गन मिलेगी आपको, ठीक है। नहीं अब आप बड़े हो जाओ फिर मिलेगी, ये मुझे दे दो, लाओ दे दो ना यार, भाई नहीं हो मेरे, छोटा ब्रो नहीं है मेरा नहीं। और गाइस बहुत सारे जो कमेंट आते हैं ना कि रूम गंदा है, सिर्फ ये हरिदा का रूम ही गंदा होता है क्योंकि भाई इसकी मस्ती खत्म नहीं होती है, कभी कुछ फेंकता है कभी कुछ फेंकता है, देखो टॉय सारे ऊपर रख रखे हैं, वो देखो नूडल खा के वहां रख रखे हैं, तो बाकी पूरा घर साफ होता है, बस इसी का रूम गंदा होता है हरिदय का। गाइस खुशबू आ रही है मुझे भिंडी की, बहुत मस्त खुशबू आ रही है, लेकिन हाँ मतलब ये बनाई तो है, लेकिन वही बात है ना मैं नहीं खा सकता ना, इसलिए थोड़ा मेरे दिल को कुछ, हम तो खा सकते हैं, हम तो खाएंगे, आप तो खाओ, आप तो खा सकते हो, कोई बात नहीं मैं सेब खाऊंगा, मैं सेब खा सकता हूँ, इतनी चीजें बढ़िया थे, माता रानी आशीर्वाद देगी फिर मुझे यार, मैं फास्ट रखूंगा तो और आशीर्वाद मिलेगा मुझे। हाँ आप भी खाओगे भिंडी, खा लो आप भी खा लो, एक बार में खा लेते हो आप, यार मैं कैसे खाऊं, मेरा तो फास्ट है, पापा ने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना ना, हमने पहले चावल खाए थे, अब भिंडी मांग रहे मम्मी से, चावल नहीं खाए थे बाबू, मैंने सांप वो खाई थी, सामक सामक खाई थी बाबू, आपने बस चम्मच खाई थी, अब भिंडी मांग रहा हूँ, अब भिंडी मांग रहा हूँ आप। भाई ये देखो कैसे हो गाइस, कैसे हो, मेरे को एक बात बताओ आपकी उम्र क्या है? 14 दस साल। और भाई ये बाइक देख लो, बाइक चला रहे हो आप लोग, कोई भी बिना हेलमेट लगाए, वो भी सीट टेंडर चला रहे हो, और अच्छा हेलमेट तो है, चलो समझ गया मैं, लेकिन ये उम्र थोड़ी चलाने की, 14 साल यार 18 क्या है, अंडर एरिया, अंडर एरिया क्या होता है, बाइक तो बाइक है, गलत बात है यार, अभी थोड़े बड़े जाओ और चलाना फिर मस्त। हाँ जी हाँ ये सही है, देखो ये बढ़िया है, साइकिल चलाओ, तुम भी साइकिल चलाओ यार, अच्छी नहीं होती, हाँ जाओ जाओ आराम से जाना भाई, ये देख लो इनको। तो गाइस आ जाइए अपनी गाड़ी मस्त धुल के, देखो भाई मस्त चमक रही है, अभी अंदर से दिखाता हूँ भाई, फुल मस्त हो गई होगी, तो भाई मस्त चमक रही है गाड़ी, अब तो देखो बिल्कुल नई हो गई अंदर से, आज धुलने के बाद ना गाड़ी मस्त हो जाती है यार, ये बात तो है। तो गाइस अगर इन बच्चों के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई अपने बच्चों को समझाओ, बहुत छोटी उम्र है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए, चार चार बच्चे बैठ के घूम रहे हैं,
तो अगर उनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई समझाओ और उनसे बाइक दूर रखो। और अब तो पेरेंट्स को भी जेल हो सकती है भाई, 10 साल का वो है प्रावधान है। तो भैया जो भी है 10 साल का है, 7 साल का है, और कुछ अमाउंट भी लग सकता है जुर्माना। तो भाई बच्चों को मत दो, बहुत छोटी उम्र के हैं, 14 साल के बच्चे बताओ बाइक पे घूम रहे हैं, चार चार क्या कर सकते हैं भाई, माँ बाप की गलती है। ये सामने रेड लाइट देखो भाई, अब ये रेड है क्या ग्रीन है समझ नहीं आ रहा, ये रेड और ग्रीन दोनों है, अब जा सकते हैं नहीं जा सकते पता नहीं भाई, ये क्या सीन है। ई रिक्शा वाला तो जा रहा है, गाड़ियों वाले भी जा रहे हैं, ऑटो वाला भी गया भाई, हम भी चलते हैं फिर, और क्या कर सकते हैं, पता ही नहीं है रेड है कि ग्रीन है, ये कैसी रेड लाइट है भाई। तो गाइस अभी है यहाँ पर 4th day और आज फिर इसी मार्केट में भाई घूम रहे हैं, छोटे मोटे सामान ले रहे हैं, छोटी मोटी शॉपिंग कर रहे हैं, मैं अपने लिए कुछ ब्रेसलेट ले रहा हूँ और साथ पी रहे हैं भाई यहाँ पे मस्त ठंडा ठंडा जूस। क्या चाहिए ये, क्या है ये, आइसक्रीम है ये, एक दिला दी, ये वाली दे दो सबको, दे दो इनको, ये वाली भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। गाइस यहाँ पे रावण देखो भिन्न भिन्न प्रकार के लगे हैं भाई, देखो ब्लू वाला कितना मस्त लग रहा है, हेलो हेलो, वो भाई देखो छोटे छोटे भी हैं, छोटे छोटे कितने मस्त लग रहे हैं भाई, मस्त है ना। आप भी जलाते हो क्या, जलाते हो आप भी, ले जाओगे, कौन सा लेके जाओगे, हमारी दुकान। अरे आपकी दुकान है क्या भाई, कह रहे हम भी जलाते हैं, हमारी दुकान है भाई, देखो ये भी कितना मस्त लग रहा है, ये तो भाई इतने सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे रावण देखो, छोटे छोटे, ये देखो येलो वाला कितना मस्त लग रहा है भाई, मजा आ गया यार देख के, इतने सारे रावण है भाई, छोटे बड़े सब भाई, देखो आगे तक है। कितनी दूर से आ रहे हो साइकिल चला के, भाई देखो इतनी दूर से दोनों बच्चे भाई साइकिल भगा भगा के आ रहे हैं, थक गए, सांस चढ़ी हुई है मस्त, क्यों भगा रहे थे, अरे भाई चलो आ जाओ आ जाओ। तो गाइस मैं ना लेके आया हूँ हृदय के लिए मैजिक पॉप्स, अभी देखना हृदय के मुंह में डालेंगे तो ये पटाखे बजेंगे, देखेंगे क्या रिएक्शन देता है हृदय, हृदय को खिलाते हैं भाई, कहूंगा मस्त चीज है, मस्त चीज भाई, मैं एक मस्त चीज लेके आया हूँ, दिखाऊं, मजा आ जाएगा, ये देखो ये बहुत मस्त चीज है, थोड़ा सा आपको खाना है, पटाखे बजेंगे इसके अंदर, सही बता रहा हूँ, मुंह में पटाखे बजेंगे, खोलू खोलू, ठाठा बजेंगे, ये लो हाथ, हाथ करो हाथ करो, हाथ पे डालता हूँ ठीक है, ये डाल दिया, अब खाओ इसको, जीप पे रखो जीप पे, फज रहे पटाखे, चबाओ मत चबाओ मत, पटाखे बज रहे ना, कैसे पटाखे बज रहे हृदय। तो गाइस हृदय को देखो कितना मजा आ गया, देखो कैसे खा रहा है भाई, देखो कैसे खा रहा है, उसको फुल मजे आ गए, है ना मस्ती था ना, पटाखों में तो अच्छा लगा, मजा आ गया पटाखों में, ओ सो गया नौटंकी, देखो नाटक कैसे कर रहा है, खाते ही सो गया, नाटक कर रहा अपना, दूध छोड़ के, दूध तो पी ले। तो गाइस अभी मैं हो गया हूँ मस्त नहा धो के रेडी, और भाई आज जाने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट को लेने, तो इसलिए मैं स्पेशल रेडी हुआ हूँ मस्त नहा धो के। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कोई कह रहा था कि भाई सौरभ भाई आ रहे हैं, कोई कह रहा था कोमल दीदी आ रही है, कोई कह रहा था पुनी सुपरस्टार आ रहा है, कोई कुछ कह रहा था, एक एक बंदा कह रहा था थारा भाई जोगिंदर आ रहा है, यो जोगिंदर। तो भाई हर किसी के अलग अलग ओपिनियन थे, लेकिन ये बता रहा हूँ सौरभ भाई तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है उनको हमें लेने जाना पड़ रहा है, तो स्पेशल होंगे तभी तो लेने जा रहे हैं। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को, शिवम और मैं निकलते हैं अभी रेडी होके स्पेशल गेस्ट को लेने। Bro, are you ready? Ready, पर आप कौन रहे हैं? स्पेशल गेस्ट, मुझे तो बताओ भाई, इसको भी नहीं पता अभी कौन आ रहा है, तो बस अभी इसको नीचे गाड़ी में बताऊंगा कि किसको लेने जा रहे हैं हम लोग, और उसके लिए सब एक्साइटेड है, आप लोग भी, मैं भी, मम्मी जी, पापा जी, सब लोग। और वो ऐसे गेस्ट है ना भाई कि उनके बिना एक काम हो ही नहीं सकता जो हम लोग करने वाले आगे, रोका वोका जो भी चीज है। अरे भाई यार भाभी बोल रहा यार, नहीं यार भाभी को भी नहीं लेने जा रहे, हो ही नहीं सकता, नहीं भाभी को नहीं लेने जा रहे यार, उनके उनके तो उनके बिना तो नहीं हो सकता, लेकिन एक बंदे की उपस्थिति बहुत जरूरी है, तो भी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस एक चीज और, मैं अभी सारे फास्ट भी कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैंने सोचा था दिल से लास्ट ईयर की तरह मैं इस बार भी सारे फास्ट रखूं, लेकिन बीच में बहुत सारे फंक्शन है, तो सब घर वालों ने समझाया कि भाई फंक्शन में थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, मुंह मीठा होता है, सब चीजें होंगी, रोके पे भी होंगी, तो भाई सारे फास्ट नहीं रख सकते, तो मैंने अभी एक जोड़ी रख ली है। हाँ बीच में अगर एक जोड़ी रखने का मन हुआ, एक जोड़ी रख सकता हूँ तो जरूर रखूंगा, बाकी माता रानी माफ करेंगी, आशीर्वाद माता रानी का बना हुआ है, तो जय माता दी। तो गाइस फाइनल निकल चुके हैं हम लोग अपने स्पेशल गेस्ट को लेने के लिए, तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मुलाकात कराऊंगा, लेकिन भाई उससे पहले डलवा लेते हैं फ्यूल, क्योंकि थोड़ा सा दूर जाना है हम लोगों को, यहाँ फ्यूल फ्री नहीं मिल रहा जैसे कल मिल रहा था ना वहां पे, यहाँ देखो कोई भीड़ नहीं है भाई, एक थोड़ी सी भी भीड़ नहीं है यहाँ, इनसे पूछते भैया आप नहीं देते क्या फ्री पेट्रोल, कल तो वहां पे इतनी भीड़ लगी थी। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने स्पेशल गेस्ट के पास, जो आप लोगों की बहुत ज्यादा हैवी डिमांड आ रही थी, तो भाई ये रहे हमारे स्पेशल गेस्ट कोमल दीदी, सबकी कोमल दीदी। Hello. और दीदू, दीदू भी खड़े हैं भाई, दीदू स्मार्ट हो गया ना कमेंट करना।
तो गाइस सब लोग बहुत वेट कर रहे थे कि कोमल कहाँ है, क्यों नहीं दिखती किसी ब्लॉग में, ये वो। तो मैंने हमेशा बताया कि भाई इसकी प्राइवेसी के लिए हम लोगों ने इसको ब्लॉग में लेना छोड़ रखा था। तो मैं कहा कि चलो कोई नहीं, अब शुभ दिन है, दो चार दिन कोई बात नहीं, बहन को भी दिखा देते, क्योंकि सब लोग ही इतने ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि बहन कहाँ है, भाई की शादी हो रही है, बहन नहीं दिख रही, बहन को तो दिखाओ। कोमल मोटी हो गई यार। कोमल मोटी हो गई पहले से, बहुत मोटी हो गई है ना। तो गाइस कमेंट करके बताना किस किस को कोमल पहले से ज्यादा सुंदर और मोटी लग रही है। जिसको आप मोटी लग रही हो कमेंट करना, जिसको सुंदर लग रही है वो भी करना। हाँ, कमेंट करके जरूर बताना। और अभी कोमल भी जाएगी और मस्ती और फन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि यार इसके बिना हम शॉपिंग ही नहीं कर पाते। तो हमने कहा कि चलो यार, क्योंकि इसको थोड़ी नॉलेज है ना, तो मम्मी को सबको यही कराएगी शॉपिंग। तो अभी यहाँ पे कर रहे हैं एंजॉय। चलो भाई आओ खाओ। तो भाई अभी खाएंगे बर्गर, देखो भाई कितना सब आ गया खाने के लिए, फ्राइज फ्राइज बर्गर बर्गर। तो अभी मस्त ये खाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, अभी खुशियों के दिन तो चल ही रहे हैं, बाकी फिर कोमल को लेके चलेंगे। ठीक है, रेडी? रेडी। और आप रेडी? रेडी। चलो। तो गाइज ले आए हैं आप लोगों के स्पेशल गेस्ट को। सब लोग भाई इतना कमेंट करते हैं कोमल, आज मैंने ना व्लॉग डाला तो सब लोग बस एक ही कमेंट कर रहे हैं, कोमल दीदी कोमल दीदी कोमल दीदी। सबको पता चल गया बहुत प्यार करने वाले हैं ना भाई, कितना प्यार करते हैं लोग यार, कितना वेट कर रहे थे तेरा कि भाई कोमल आएगी कोमल आएगी भाई। तो अब शादी तक मस्त एंजॉय करेंगे। यस, चीयर्स। तो गाइस अभी देखो रीजा, देखो कोमल का वेट ही कर रहा था, ये देखो अभी खुश हो जाएगा। भैया आ गई, भैया आ गई, आ गई। देखो कितना खुश हो गया रीदी, खुश हो गई रीदी। भैया से मिल तो लो, भैया मिल तो लो। आप कहाँ से आई हो? मैं घर से आई हूँ। अम्मी अम्मी नहीं करोगे? भैया को अम्मी तो कर रही थी। ये कुछ देख रहे हैं, ये क्या? अभी बाहर से ऐसे भैया को अम्मी तो कर ले। अरे मेरा बच्चा कौन आ गया? भैया, भैया जीजू कल आएंगे। गाइस ये देखो कैसे नाच रहा है कोमल, आइए। तो कह रहा कोमल भैया अभी बाहर से ऐसे कर रहा था, आजो भैया आजा भैया भैया आजा, कैसे कर रहा था रीदा। आज कोमल दीदी के आने की खुशी में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है कोमल के लिए एक मैजिक शो रीदा और मैंने। ठीक है रीदा, सबको मैजिक दिखाएंगे। हाँ। सबको कहते इधर देख लो भाई, अब रीदा सबसे पहले एक डंडे को गायब करके दिखाएगा, ये मैजिक शो है। चलो रीदा पकड़ो डंडा, भुया को कहो गायब कर दू, ऐसे नहीं, ठीक है गायब कर दे भुया को, क्या कर दू, कर दे, कर दे। ये देखो जी, ये गया 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 गया, कहाँ गया? कहाँ गया? अरे खाली ये तो दिख रहा है हमें पीछे से। क्या नहीं दिख रहा? हाँ चलो, अब रीते वापस लेके आओ, कैसे लेके आओगे? कर दे दे भुया, नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। डंडो कहाँ गया? गाइस खुश हो गए, ले के आओ मैजिक से वापस ले आओ रीदी, आंखें बंद करो भैया को, ले आ गया। तो गाइस हमारा मैजिक शो चल पड़ा है यहाँ पर, रीदी ने दिखा दिया, रीदी मैजिक शो बन रहा है, बढ़िया बढ़िया बन रहा है, बहुत अच्छा मैजिक शो दिखाया बाबू ने। ये दोबारा गायब कर दिया रीदी ने, ठीक है दोबारा लाके दिखाओ रीदी आप सबको, आंखें बंद करो। एक और मैजिक शो गाइस। गाइस अभी रीदा देखो लड़ाइयां कर रहा है कोमल साथ, क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो, क्या हो गया? भैया डिशुम कर रही है। ओ भाई भाई गिरा दिया कोमल को, गिरा दिया भाई, ये देखो बच गई, नीचे नीचे गद्दा था तो बच गई। और अभी क्यों लड़ रहा है, लड़ाई क्यों शुरू करी थी? जीजू नहीं आते, नहीं आते, कहते जीजू आए नहीं। अब कह दो ब्लॉग में जीजू को, क्या जीजू आ जाओ, जीजू आ जाओ, आ जाओ ना, जीजू हम घूमने जाएंगे। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, अभी है नेक्स्ट डे और आज भाई सभी अभी हम लोग सब सो के उठे हैं। मैं अभी अभी उठी। कितनी देर हो गई आपको? मेरे को बहुत सारे 2.5 घंटे हो गए उठे। 2.5 घंटे हो गए, 7 बजे उठ गए थे आप? तो भाई रात को हम लोग सोए थे ऑलमोस्ट 4 बजे सोए थे हम लोग, और मम्मी 4 बजे सुबह उठ गए, और भाई मैं तो अभी उठा हूँ, 9 बज चुकी है, कोमल भी अभी उठी है जस्ट। तो बस उठा गया, उठ जाओ कितने दिन से सोई पड़ी हो। हृदय क्या कोमल के रूम में कह रहा, भैया उठ जाओ कितने दिन से सोई पड़ी हो, भाई बताओ क्या ही बात है, उठा दिया कोमल को, सोने दिन दिया। और भाई यहाँ पर अपनी सुबह उठते ही भाई बाबा आ गया, देखो यहाँ पे शुभम और बाबा, तो यहाँ आ गया भाई अपनी मस्त कॉफी, तो अभी कॉफी पीते हैं और फिर एनर्जी के साथ पूरे दिन का व्लॉग करते हैं।
भाई वो सुबह का कह रहा है सफेद पापड़ ले दो। सफेद पापड़ कौन से, व्रत वाले? साबुदाने वाले, साबुदाने वाले पापड़। कहता है जल्दी चलो मेरे साथ तो लेके आओ। है हृदय क्या खाना है? व्हाइट वाले। तो चल लेके आए, चले। तो गाइस हृदय को खाने सुबह से व्हाइट वाले पापड़, सुबह से मुंह बना के घूम रहा है, तो भी लेके देते हैं हृदय को। अभी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, सब लोग उठ गए हैं, तो भाई अभी तैयारियां चल रही हैं और कोमल बना रही है आज किचन के अंदर कुछ अलग सी डिश, पता नहीं क्या यूट्यूब पे देख रही है और पता नहीं क्या क्या बना रही है। और इधर सुबह उठते एक ही जिद कर रहा है, बस मेरे को पापड़ लेने हैं, पापड़ लेने हैं, पापड़ लेने हैं। चलेंगे, चल आ जा भाई। क्या देख रही है? बेड में पूड़ी और आलू की सब्जी। कौन सी पूड़ी? बेड में पूड़ी। हाय हाय बेड पूड़ी, मैं तो नहीं खाऊंगा ये बेड बेड पूड़ी। बेड पूड़ी मतलब पता क्या होता मम्मी? बुरी पूड़ी। हाँ गंदी पूड़ी, सबसे गंदी कह रही थी, सबसे गंदी कह रही थी, बैड मी पूड़ी। तो भाई ये क्या बन रहा है? मसाला उसका, उसका। कचौरी में, कचौरी का क्या हंस क्यों रही है भैया? भैया हंसे भी ना अब। ये क्या कचौरी बनेगी? मतलब ये बनेगी मम्मी आलू, आलू की सब्जी तरी वाली और पूड़ी, ऐसा कुछ बनेगा। पूड़ी के अंदर स्टफिंग डलेंगे। तो शेफ कोमल के साथ, तो शेफ कोमल के साथ आज बनेगी भाई बैड मी पूड़ी। तो भाई देखते हैं कोमल कैसी बनाती है, बढ़िया सी बनाती है नहीं बनाती, पता नहीं कैसी बनेगी। मस्त बना दियो, मस्त। तू आई है तो भाई बढ़िया बनाएगी, टेंशन ना ले। मेरा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बेकार से पापड़ मंगाना? बेकार से थोड़ी मंगाऊंगा, अच्छे पापड़ मंगाऊंगा यार आपके लिए। बेकार से तो गंदे बच्चे खाते हैं वो। हाँ बेकार वाले पापड़ तो गंदे बच्चे खाते हैं, आप तो गुड बॉय हो ना। मैं तो अच्छा खाता हूं। ठीक है आप अच्छा खाते हो, चलो डील डन। तो गाइस आजकल पापा जी कर रहे हैं रोग, मस्त अपना हाफ बाजू शर्ट डाल रखी है पापा जी ने, और ये शर्ट मेरी वाली शर्ट है। पापा जी को आगे देखो, मस्त वाली, मस्त लग रहे हैं पापा, बाल भी बढ़िया लग रहे हैं, आगे से खड़े बाल हो रखे हैं ऐसे, देखो ये देखो डिजाइन बन गया डिजाइन, और शर्ट में मस्त लग रहे हैं पापा पे कलर सूट करते हैं ऐसे ऐसे। तो तीन चार टी शर्ट, तीन चार ऐसी ऐसी शर्ट थी जो पापा जी ने डाल ली। तो गाइस यहाँ पर देखो भाई आटे के अंदर इतने सारे कीड़े निकले हैं ना भाई, ये देखो ये क्या है, काले काले क्या है? तो कीड़े किस में है? कीड़े तो आटे में थे, वापिस दे आया था। तो ये क्या है? आटे में थोड़ी थे, कस्तूरी मेथी में थे। नहीं आटे में वो थे, गुण गुण थे आटे में। हाँ मैं छान रही, मेरे को तो ये भी ऐसे ही लग रहे हैं। छान रही थी ना तो गुण निकल आए, फिर वापिस दे दिया, कल ही तो मंगाया था। तो गाइस अभी चलते हैं भाई हृदय के लिए पापड़ लेने, क्योंकि इसको चाहिए साबुदाने वाले पापड़, और इसे तो भाई जिद कर रखी है, तो हृदय को पापड़ दिला के लाते हैं। अभी आ गए यहाँ पर पापड़ लेने, येलो हृदय व्हाइट पापड़ साबुदाने वाले, मजे आ गए, मजे आ गए। तो गाइस मैंने लिया अपने लिए यहाँ पर नटेला, भाई ये बहुत बढ़िया होता है। ओए रिद्धि हेलो कर दो, पापड़ नहीं देगा, पापड़ लेने तो आया वो सुबह से। गाइस एक मिनट बाहर गए हैं और भाई बालों की हालत देखो कैसे हो गई है। तो जब तक बाल सेट नहीं कराते ना भाई राहुल से, तब तक ये बाल ऐसे ही रहते, कभी इधर कभी इधर, कभी गिरते रहते, कभी कैसे कैसे हो जाते। भाई ये ले आया है पापड़, ये देखो इतने सारे ले आया है। हाँ इन पापड़ों की कहानी मुझे याद है अच्छी तरह, जब हम छोटे होते थे मम्मी नवरात्रों में मनाते थे, मेरे मन में लालच होता था दो और मिल जाए, एक और मिल जाए, एक और मिल जाए, बहुत याद है भाई। और मतलब ऐसे होता था कि भाई एक दो पापड़ एक्स्ट्रा मिल जाते थे ना, इतने खुश हो जाते थे। पैकेट इतना ही होता था, ढाई रुपए का तो होता था एक। अच्छा ढाई का पहले पूरा पैकेट होता था? नहीं पूरा नहीं, एक एक मरुंडा इसके अंदर का, मतलब एक पैकेट छोटा। हाँ हाँ तो मतलब की तब तो हो गए 12 रुपए का पैकेट, अब 120 का। यार पहले इसके पापड़ बना दो यार, रो रहा है इतनी देर से, अब लेके आए स्पेशल जाके। हाँ इसको बना दो पहले, ये बैड में पूरी बाद में बना लेना भाई। ये क्या आलू की सब्जी बन रही है? तो भाई मस्त लगेगी खाने में, कोमल आई है तो आज कुछ नया खाएंगे। तो गाइस अभी हृदय को ट्राई कराते हैं नटेला, देखते हैं कैसा लगता है ये। यम्मी, ये देखो थोड़ा सा खाओगे, यम्मी यम्मी। चॉकलेट, क्या खिला दिया मुझे, मेरा पापड़ खाने का मन था। कैसा है? ऐसे ही बताइयो, सही है? इसको मन है पापड़ खाने का, वही खाएगा। तो गाइस अभी मैं बनाने वाला हूँ हृदय के लिए भले पापड़, क्योंकि कोमल तो बना रही है बैड में पूरी, तो अभी बनाते हैं। दीदी बना दू एक पूछी दे, फिर बनाऊंगा। अब तो इससे कुछ मर्जी ले लो, क्या बात है, मजा आ गया भैया। चलो तेल गर्म हो चुका है। ओहो दूर हो जाओ हृदय, दूर हो जाओ, ऐसे नहीं करने, ऐसे ही करते पेट बनेंगे फिर। हाँ सीधे डाल दे, जाने तो पेट में ही है, जाने तो पेट में, मम्मी पेट छोटे बनते हैं। अरे सीधा बने, देखो बिल्कुल बढ़िया। गाइस कमेंट करके बताना मस्त बने। इसको देखो भाई, इसका चेहरा देखो, आप कह रहे हो पीछे जाओ ना, तो ये सीधा डाल दूं? सीधा डाल दो, पर वो कर दे। ओके ऐसे करके, ऐसे ये हल्का सा, ये तो अभी भी टेढ़ा बना है, ये तो अभी भी ऐसे ही बना है।
आप बना के दिखाओ, अगर आपने गलत बनाया तो चलो देखते हैं गाइस मम्मी कैसे बनाते हैं। कह रहा है मेरे को खाने को दे दो। चलो चलो देखते हैं मम्मी का सीधा बनता है कि नहीं बनता। हाँ भाई भाई माँ तो माँ होती यार, हम कोई कुकिंग थोड़ी करते हैं गाइस, हम कोई कुकिंग थोड़ी करते हैं भाई, सीधे बना दिया मम्मी ने तो। सीधा कौन सा वाला करेगा, टेढ़े वाला सीधे वाला? गरम है भाई। देखो चाहिए क्या? हाँ। मैं तो मेरे लिए बनाया अपना बनवा ले। ले प्लेट में ले। तो गाइज आज मैं अपने बचपन का लालच जी भर के निकालूंगा, आज मैं बहुत सारे पापड़ खाऊंगा जो मुझे बचपन में नहीं मिले। तो गाइज पूरी सोसाइटी के लिए पापड़ तले जा रहे हैं आज, ये देखो अभी और आने वाली है, दो प्लेटें और भर के हैं। दूसरा ले लो, दूसरा ले लो बड़ी। हाँ नीचे से उठा के नहीं खाते कोई भी चीज, हृदय को याद है, याद है मम्मी हृदय को नीचे से उठा के नहीं खाते। तो गाइज यहाँ पर तो सब्जी हो चुकी है रेडी भाई साहब, तो अभी टेस्ट करके देखता हूँ मैं कि सब्जी कैसी बनी है, उसके बाद पूड़ियाँ भी बनेगी तो अभी टेस्ट करके बताता हूँ क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर मास्टर शेफ। यस। तो गाइस अभी पापा जी और मम्मी जी जा रहे हैं भाई लॉन्ग ड्राइव पे, पापा जी कह रहे हैं स्कूटी की चाबी दियो, लो जाओ जी लो अपनी जिंदगी, और जी लो अपनी जिंदगी, जाओ ले जाओ स्कूटी, गाड़ी की चाबी दू ना। जाओ जाओ जाओ, गाड़ी चलाएगा कौन, ड्राइवर ले जाओ साथ, घूमो आप बैठ के मस्त बातें बातें करो। हाँ आज बहुत भीड़ है बाजार में, कह रहे मार्केट मत जाओ आप बहुत भीड़ है। तो गाइस अभी सब्जी ट्राई करते हैं जो कोमल ने बनाई है यहाँ पर पूरियों के साथ के लिए, तो खा के देखते हैं कैसी बनी है। भाई सच बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोमल ने बनाई है, बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ, जैसे मार्केट में मिलती है ना कोई चीज सेम बिल्कुल वैसी है। मैंने खाई हुई है बैटमी पूरी, मैंने का नाम रख दिया बैटमी पूरी, भाई एक नंबर सच बता रहा हूँ, ऐसे लग रहा है हमने बाहर से फूड ऑर्डर किया है, वही ट्राई कर रहा हूँ मैं, वही खा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। मैं पतली नहीं हो रही मोटी होती जा, मैं खतरे उल्टे सी ध्यान मारने से थोड़ी होगा, मगर वहां जाके सीखो। पापा तो यही बोलते रहते हैं उल्टे सी ध्यान मारती रहती है, योगा करती है। आप घूम भी आए लॉन्ग ड्राइव पे, इतनी जल्दी आ गए? वो ना बस आ ही गए बस। मेरे को लगा दो तीन घंटे के लिए तो जाओगे, जूस वूस पी के आओगे, मम्मी को पिला के लाओगे। पिला देंगे अभी तो, फिर वो फिर पिला के नहीं लाए, लेके गए हो तो अभी मना कर दिया, मना कर दिया मम्मी ने, मम्मी ने रिजेक्ट कर दिया पापा को। मम्मी कह रही इतना दिल ऐसा ही, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, डिबेट हो गई गाइस यहां तो। दिल ने लिया गाइस जूस का गिलास पिला दिया। ओए होए बेइज्जती करा दी पापा आपने, ऐसे जा रही है फिर ये, ओए होए ऐसे ही रह रहे हो। तो भाई ये नोक झोक मस्त लगती है जब घर में होती है बातें, मजा आता है। पापा जी आज बना अलग तरह का नाश्ता, आज तो नहीं आज तो बनी है कुछ। ये देखो भाई ये बन चुकी है बैडमी पूरी, और भाई ये बन चुकी है सब्जी। पापा जी ट्राई करके बताओ अलग तरह का नाश्ता कैसा है। मैं ले लूंगा बाद में, अभी मन नहीं है ना। भाई देखो पूरी और ये बनी है आलू। तो गाइस ये देख सकते हो जो पूरी है ना, ये देखो कचौड़ी वाली पूरी है, देखो इसके अंदर ये स्टफिंग भरी हुई है, भरी हुई और ये कोमल ने बनाई है अभी, तो अभी खाली पूरी खा के देखते हैं कैसी बनी। सब्जी तो हमने ट्राई कर ली थी तो भाई बहुत बढ़िया। कोमल कल से मैं खुलवा रहा हूँ तेरा कोमल स्वीट्स, कोमल स्वीट्स यहाँ मिलेगी बैर भी पूरी भाई, एक नंबर 10 में से 9 भाई। आज तक स्वीट्स में सब मिलता है, पूरी वूडी सब बनाई हो मस्त अपना। कल से गाइस हमारी रेडी लगने वाली है कोमल स्वीट्स की, शोरूम नहीं रेडी लगवाएंगे तो आ जाना। तो गाइस अभी कोमल आ गई है, तो आज से हो जाएगी भाई हमारी सारी शॉपिंग शुरू, और भी जो पेंडिंग थी और जो मेरे को अपनी होने वाली फियोंसे के लिए गिफ्ट भी लेना था वो भी, तो बस अभी चलते हैं थोड़ी देर में। बस आज के व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, कल के व्लॉग में मिलते हैं 2 बजे, और कमेंट जरूर करना कौन कौन कोमल दीदी के आने से खुश है, तो बहुत सारे कमेंट्स कर दे रहा हूँ।